आज ही रोज डाल रखी इसने पानी में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ, इस बार मैं पहाड़ों पे नहीं जा रहा, वैसे पहाड़ों पे जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ आज उदयपुर। ठीक है, तो अभी हम रात को निकले हैं और मेरे को छोड़ने जा रहे हैं ये दोनों, एक ये जा रहा है, देखो फोन पे लगा रहता है, और एक ही देखो ये भी जा रहा है, ये आ गया, ये देखो ये तैयार हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं, मोटा मिलेगा हमें रास्ते में, वहाँ से दिखाता हूँ मैं आगे का क्या हिसाब है। ठीक है, चलो गाइस, हमने ऑर्डर ले लिया अपना, ये देखो कितना लेट आया, 12:30 बजे आया ये। गाइस, हम निकल आ लिया डीजल फुल, अब निकलेंगे हम यहाँ से। डीजल फुल हो गया, अब हो गया डीजल फुल। गाइस देखो, मोटे की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। तो गाइस, हम निकल गए हैं, ये देखो ये भी आ गया है। कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है, जा ये ले जा रहा है, ये देखो ये ले जा रहा है 11 घंटे। मेरी पड़ा क्या तेरे पास, बड़ा मैंने दिया तो था तेरे को, वो तो थोड़ा सा ये ले जा रहा है मैं 11 घंटे कहीं। तो गैस करो कहाँ जा रहे होंगे, वैसे शायद मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कहाँ जा रहे हैं। तो हम निकल रहे हैं 12:30 हो गए, 12:30 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। खाने पीने का हमने ले लिया सामान, 12:30 नहीं 1:30 बजे हैं। ओ बता, अराइवल टाइम था 12:30, 1:30 बज रहे हैं, देखो 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कब पहुँचेंगे। इन्होंने दिखाया तो 11 घंटे, देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं। 623 किलोमीटर है, ठीक है, कब तक पहुँचेंगे, पहुँच जाएंगे उसके साथ, 12:30 पहुँच गए तो पहुँचेंगे 3 बजे। 3 बजे मतलब इसमें 11 घंटे दिखा रहा है, तो हमें 3 घंटे और लग जाएंगे। मतलब वो तो हमारे ऊपर है ना कि रास्ते में आराम से रुकते हो जाते हैं या कैसे जाते हैं, वैसे ही बारिश हो रही है। हम मुंबई वाले मुंबई एक्सप्रेस से नहीं जा रहे हम, इससे जा रहे हैं, जब नॉर्मल जगह है जो भी है ये, मौसम भी सही हो रहा है। अभी लेफ्ट में वो था, उस पे चापे चूपे लटक, चलो कहीं रुको, मतलब दिखाना चापे खाने। गाइज हमें हो गए 2:32 यहीं पे, अभी हम निकले नहीं है खाने के लिए, हमने ले लिया। मैं तो भाई हेल्दी खा रहा हूँ, मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, ये देखो ये पराठे खा रहा है और इसने तो जूस ले रखा है, ये जूस पी रहा है पीछे बैठ के। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, मैं सैलेड खा रहा हूँ, ये पराठा खा रहा है और वो जूस पी रहा, ये जूस पी रहा है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जूस पिला दो टंडी डंडा। तो ये खा के निकलते हैं, देखते हैं कब निकलते हैं, कब पहुंचते हैं। ठीक है, चलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 और ये तो सो रहा है, इसे देखो, ये सो गया था रात को 2:30 बजे, सो गया था 5:30 हो गए, अभी तो सो ही रहा है, खा पी के अपना जूस पी के सो गए हैं। हम दोनों तो उठे हुए हैं और अभी दिखा रहे हैं 452 किलोमीटर और 7:30 घंटे, सुबह 7:50 घंटे अभी बचे हैं, 1 बजे का टाइम दिखा रहा है, 5:30 बज गए हैं। हमने आपको 3 बजे बोला था 1 बजे तक तो आ गई है गाड़ी। हाँ, देखते हैं, 3 बजे बोला था हम 3 बजे पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी अभी 1 बजे का अराइवल दिखा रहा है। तो अभी हमारी बात ये हुई है कि मैंने इसने पहले इसने मेरे को बोला कि मैं सो, तू थोड़ी देर सो जा, तब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जब तू सो के उठेगा तब मैं ड्राइव कर लूँगा। फिर मैंने इसे बोला कि कोई नहीं सोएगा दोनों में से, तो चला ले जब तक तू चला रहा है, उसके बाद मैं चला लूँगा थोड़ी देर बाद, लेकिन सोना नहीं है, बिना सो जाएंगे, वहाँ जाके सो जाएंगे, क्या है अब देखते हैं, अगर कोई सोया ना तो वीडियो पर पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, देखते हैं कौन सोता है कौन नहीं सोता। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग हो गई है, ये देखो दोनों उठे हुए हैं, कोई सोया नहीं है, लेकिन बज गया 7:45 और अब बचा है 326 किलोमीटर, 5:32 अभी बचे हैं, और ये आदमी जूस पी के अभी तक सो रहा है, और हमें सुबह मिल रहा है सुबह सुबह ही जाम, ये देखो पता नहीं कैसा जाम है, और इसको देखो, इस आदमी को देख रहे हैं, और ये देखो पीछे से भी ऑफ रोडिंग करते हुए आ रहे हैं लोग।
हर जगह से आ रहे हैं, सीडान वाले नहीं आ पा रहे, देखो सीडान वाले दिक्कत कर रहे हैं क्योंकि वो बस देख के डर गए, जाम बहुत है। बस वाला तो पूछ ही गया वो तो तरी गया बस वाला और ये आज ही रोज डाल रखी इसने पानी में। गाइस देखिए टोल पे जाम लग रहा है और ये वहाँ पे आराम से बात कर रहा है ड्राइवर से। जाम लगा हुआ है टोल पे और ये आराम से बातें कर रहा है। फ्री में निकलना चाहते हैं ना, दुनिया का ऐसे ही होता है। फ्री वाले हैं ये। गाइस सीट चेंज हो चुकी है, अब मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे और मोटा बैठ गया इधर और ये भाई साहब भी उठ गए, ये भी उठ गया है। और मैं जैसे मैंने बोला था कि सोना नहीं है, अगर ये सोया तो मैं बता दूंगा फिर। देखो भाई ना बहुत चला के पहली सीट से आगे से बैठे थे ताकि सोएगा मेरे को पता ना चले पर मुझे सब पता चल जाएगा। अभी तो बैठा हुआ है, देखते हैं। और अभी टाइम बचा है कितना, 4 घंटे बचे अभी तो। चलो चलते हैं, मौसम भी बढ़िया हो रहा है वैसे तो यहाँ। गाइस हम रुके हैं 11 बजे अपने ब्रेक के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी। एक तो वो गायब हो गया, ऐसे देखना सो रहा था अभी बीच में, मैंने वीडियो बना ली थी सो गया था। और अभी बचा है हमारा 2 घंटे अप्रॉक्स, 125 किलोमीटर। टाइम से आ गए हम, फिर भी टाइम से आ गए हम। अब कुछ देखते हैं। वैसे ढाबा ही यहाँ रुके हम, कृष्णा होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे रुके हैं। सीखते खा के कैसा यहाँ पे खाना, पराठे खाएगा मिलना भी तो चाहिए। हाँ चलो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, पहले ये फ्रेश होके आ जाए जो गया हुआ है फिर खाते हैं। गाइस वाले होटल में तो हमें मिला नहीं, वहाँ मिल रहे थे चाय, फिर हमने ऐसे ही 10 होटल और चेक करे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। गाइस अब 10 होटल चेक कर लिए सारी जगह, बस यहाँ पे वही मिल रहा है खाने के लिए चाय और क्या चाय मिल रही है, बस पीने लो खाने के लिए मिल रहा है। अरे यहाँ पे हम आए चाय भी तो बोल रही चाय तो हो गई यहाँ पे, यहाँ पे हम आए ये देखो बैठे हैं ये देखो दो चाय भी कर देना। यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा और सब्जी रोटी। एक तब आके टेस्ट करके बताएंगे क्योंकि और कुछ मिल नहीं रहा है, यही मिल रहा है खाने को। गाइस हमारा दाल बाटी चूरमा आ गया है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो ये बैठ गया है, क्या क्या है बताइए ज़रा। दाल और बाटी है, ये रहा दाल बाटी, ये लाल मिर्च की चटनी, लाल मिर्च की चटनी, ये छाछ है, छाछ है सलाद, ये है सांप के लिए बैठने के लिए ऐसे दे रखा है, सांप के लिए दिया है बैठने के लिए तूने भी ये मंगाया, मेरी प्लेट आ गई है ठीक। मैंने मंगाया रोटी सब्जी बस, मैं नहीं खाता दाल बाटी वाला साई साई भोज करवा रहे हैं मोटे भाई। देखो बताइए टेस्ट कैसा है, ठीक है ऐसे क्यों बोला भैया, दोबारा पूछता हूँ कैसा टेस्ट। मैंने इससे पूछा टेस्ट कैसा था भैया, तो कैसे ठीक है, मैंने बाद में पूछा था कह रहे ठीक है। तो बताइए क्या सही है सर, तो बताइए तेरे को सही लग रहा है। मैं सब्जी और रोटी का टेस्ट बताता हूँ, पहले प्रॉब्लम हो रही है खा के बताता हूँ, पहले मैं खाता हूँ दाल बाटी। ये मिक्स करके खाना दाल वाली चटनी, अबे जरा सी लगा वो
ठीक है आंटी, ये तो गाइस तो हमने यहाँ खाना खाया, हमने खाया दाल बाटी चूरमा और कौन सी सब्जी थी, टमाटर और सेव टमाटर की सब्जी, और फिर बाद में मैंने एक मिक्स वेज भी बनवाई थी। खाना अच्छा था, बढ़िया था, दाल बाटी चूरमा। लेकिन हमने बोली थी मिक्स वेज बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा मिक्स वेज में टाइम लगेगा, उसने कहा कि आलू टमाटर बनाने, इधर को कैमरे इधर के दिखाना, क्या कह रहा है वो हुआ था ना डिसाइड की आलू टमाटर बनाने, हाँ वो कुछ आलू टमाटर डिसाइड हुआ था, लेकिन बाद में कुछ करके वो मिक्स वेज आ गया अपने आप ही, पता नहीं क्या हुआ है। तो दाल बाटी चूरमा उन्होंने दिया हमें, तो मैंने मतलब पहले भी खाया था ऑफिस में, खाया था जब मैं ऑफिस में था, तो वहाँ टेस्ट अलग था, यहाँ मैंने खाया अलग है। उन्होंने बोला कैसा लग रहा है, तो मैंने दोनों के रिव्यू दिखाए थे, दोनों से मैंने पूछा था, तो जब उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी, फिर वो हमारे पास पूछने आ गए कि भैया आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या, तो उस चक्कर में उनको अच्छा नहीं लगा, हमने सब ख़त्म करा, वो सारा कुछ छोड़ा नहीं है। और खाना ठीक था, अब एक दो जगह और खाएंगे दाल बाटी चूरमा या कैसा होता है, फिर पता चलेगा टेस्ट कि ये भी अच्छा था या फिर सारा ही ऐसा होता है, ठीक है। और मोस्टली यहाँ के जो ढाबे हैं इसमें मिलता नहीं कुछ, चाय पकौड़े ज़्यादा मिलते हैं, चाय वो सब, जैसे पूरा खाना हो तो वो नहीं मिलता, हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा ही ढाबा यहाँ, है ना, बहुत जगह देखा था, वहाँ पे खाने का नहीं था, नहीं खाना तो मिल जाता लेकिन पानी नहीं मिलता, पानी और पानी का ऐसा यहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगा, जहाँ पे भी खाली जगह होगी ना वहाँ पे तालाब सा बन जाता है, पानी वानी भर जाता है वहाँ, लेकिन दो चार हम रेस्टोरेंट में ढाबे में रुके वहाँ पे एक जगह तो क्या कहते हैं पानी नहीं था, दूसरी जगह जो है वहाँ पे जो पानी था नहीं, जितना पानी था वो उनका शेफ था उससे ना रहा था, कहता हमारा शेफ ना रहा, बस ऐसे ऐसे मतलब पानी की दिक्कत है यहाँ, मतलब यार इन्होंने दिखा रखा ऐसा दिक्कत है, मेरे को नहीं पता, बाहर तो बहुत पानी पड़ा है लेकिन यहाँ पे जहाँ पे भी खाली जगह है वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, मतलब जैसे खाली जगह होगी ना कहीं पे खेत है तो वहाँ पानी से भरा हुआ है, दिखाऊंगा अभी मैं रास्ते में कहीं पे होगा तो वैसा, ठीक है। अभी हम यहाँ से अभी बचे हैं हमारे डेढ़ घंटे बचे हैं, तो हम चल रहे हैं, चल के दिखाते हैं, और हमने बोला 3 बज जाएंगे, देखते हैं 3 ही बज जाएंगे मुझे लग रहा है, भला हमें खाने में टाइम लग गया यहाँ पे, वरना तो हम पहुँचे थे 1 बजे करीब, टाइम पे थे हम ऑन टाइम, अब चलते हैं ना। तेरे को कैसा लगा खाना? ठीक था, ओके ओके था, बैठा इससे पूछता देखना इससे उल्टी सी जगह, तेरे को कैसा लगा खाना? बेकार था, है फीका खाना था एकदम, मैंने बोला था ना देखा, कह रहा फीका खाना था, कह रहा फीका खाना था, और इसने वहाँ पे सब निपटा दिया, पेट भर गया, कह रहा है पेट भर गया, और कह रहा है फीका खाना भी था, मन नहीं भरा बस पेट भर गया। ये था, देखो मैं दुकान भी दिखा देता हूँ आपको, ये जय माँ लक्ष्मी भोजनालय एंड नाश्ता सेंटर, मसाले हाँ मसाले कम है यहाँ खाने में, पता नहीं मतलब ऐसा टेस्ट नहीं जैसा हम खाते हैं दिल्ली NCR में, अब एक दो जगह और खाएंगे तो पता चल जाएगा टेस्ट। और सिटी ऑफ लेक्स गाइस, हम स्मार्ट सिटी ऑफ लेक्स में एंटर कर गए हैं, ये पहली टनल है, देखो ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है, छोटी है, ये टनल ख़त्म, और अब हम एंटर हो गए उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स में, हम एंटर हो गए ना, ये सिटी ऑफ लेक्स देखो कैसे व्यू है, बस और मौसम भी बढ़िया हो रहा है, पानी पानी। हेलो बॉयज, वेलकम होम, कहाँ है सोसाइटी का नाम क्या है, क्या नाम है सोसाइटी का, कुमकुम कहाँ है हमारे सोसाइटी का नाम है, कुमकुम सोसाइटी दिखाते हैं, ये वाला गेट दिख रहा है ना, ए ब्लॉक के बगल वाला, अबे यहाँ तो बहुत कूड़ा है यार उदयपुर में, हाँ देख तो बीमार अपनी है क्या है? सब अपनी है गाइस, अभी मैं सो के उठ के आया था मैं सो के उठ के मार्केट आया हूँ कुछ खाने पीने के लेने के लिए, और इसके चप्पल टूट गई है, देखो पहले चल तो तू इसे चप्पल क्यों नहीं लेके आया फिर, अबे तो सही थी ये, गाड़ी में बैठे बैठे हो गए, क्या हो गया,
वो एक जब उतरा था तो एकदम से पैर मुड़ गया था सब। अब तो कहीं नहीं बैठ जा रहा है साइड से। तुझे पता टूटने वाली तो पहनी की तूने, तो तभी जब हम वहाँ भी वहाँ बैठे हुए थे कि टूट सकती है तब भी ये पहन के आया। तब मैं और क्या पहन के आता था, दूसरी पहन लेता। गाइस हम आए मंगल चाय वाले पे, ये कह रहे हैं यहाँ पे मंगल चाय वाला बहुत अच्छी चाय देता है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तू पिएगा चाय? हैं तू भी चाय पिएगा? हैं तू बता कैसी है? तो तू फिर भी बताना कैसा है, हैं? तू पियो। मीठी है, ज्यादा मीठी है, कुछ अलग लगा तेरे को? तेरे को कैसी लग रही है? नॉर्मल ही है। शेफ एक एग वर्ल्ड उसने दुकान खोल रखी है अपनी, पर जाम जा रहे हैं वो पहले कर लेते हैं, है ना? कर तो कह लेते हैं उसमें, मतलब देख लेते हैं वो चल के, बाकी चीजें तो शायद खुली रहती होंगी। बंद हो जाता है सब कुछ? सब बंद हो जाता है, बंद हो जाता है मतलब 11 बजे तक मैं सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। स्विगी जोमेटो ऑन रहेगा, मोहित तो चला गया ना वो नेक्सस वाला जो था। सही है, कार डेकोर ये दिख रहा है, ये आर के, हाँ ये उदयपुर का पूरा घर है ये, मतलब उसका आर के मार्बल वाला है, उसका घर है, उसका घर है ये पूरा। और ये आर के मार्बल वाला है ना पूरी वियतनाम की इकोनॉमी को ये करता है। हाँ तुम लोग जानते हो क्या उसे? जानते तो मतलब ऐसा हमारे साथ चाय तो नहीं पी कभी, जहाँ पे अपन ने चाय पी ना उसके नाम पे ही है इसके आर के सर्कल। हाँ तुम लोग बता रहे, उदयपुर का सबसे बड़ा वो है मार्बल का सप्लायर, आर के मार्बल वाला, उसी का घर है, उसी का घर है, उसी का घर है, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा। इसके इसके यूट्यूब पे वीडियो है, साले ने बेंच 6,000 करोड़ रुपए घर पे कैश रख रखा था। सांगानेर में इसकी वो है माइंस है ना। अच्छा तो इसके घर के पास सिक्योरिटी होती है? फुल सिक्योरिटी है, जा नहीं सकते हम लोग वो तो जिमनी में भी लग जाती है। ये जो है नीमच माता का रोप वे है, यहाँ से चलता आप बनाए तो, मतलब पहले तो हम पैदल जाया करते थे। क्या है ये? नीमच माता मंदिर है, यहाँ से ऊपर जाके रोप वे है, यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है या यहीं से? ये जो है ना ये फतेह सागर लेक है, अभी अपन चलेंगे। अभी कहाँ जा रहे? ये फतेह सागर लेक के अपन घूमेंगे पूरा चक्कर, फतेह सागर लेक। अच्छा वो जो लेफ्ट में लेक थी तो हम जा रहे हैं मतलब फतेह सागर लेक। ये रानी रोड कहते हैं, रानी रोड। हाँ और राजा रोड, राजा तो अपन है ना। तो यहाँ तो ज्यादा राजा हो गए, 5 हो गए राजा। गाइस देखो ये सारी मैन, ये पूरी जो है ना उदयपुर में जितनी लेक है सारी मैन मेड, ये भी मैन मेड है। कॉफी वॉफी बोल रही थी पहले, कॉफी पेन सो रही है सकला मुंह वाली का दिल थी क्या? अंदर चल के दिखाते हैं, अंदर मतलब जब गाड़ी रोक के साइड में है ना। अंदर चल के पार्किंग है ना यहाँ पे गाड़ी। मम्मी का फोन आ रहा है गाइस, अभी मम्मी का फोन आ रहा है गाइस। ये तो ये है फतेह सागर, गाइज हम अभी फतेह सागर लेक पे, वो मैंने जो अभी भीड़ दिखाई वो यहाँ पे ही है। फतेह सागर लेक नहीं है, नहीं फतेह सागर लेक है, और मैं दिखाता हूँ देखो यहाँ पे ऐसे वेंडर्स है, ये साइड में थोड़ा ऐसी है बैठने का, बैठे हैं सब लोग, भीड़ है यहाँ पे लेकिन काफ़ी। अब हम जा रहे हैं घर, रात को हमने ये देखा, किसी को रील्स देखना तो जाके वो तो दिखाई नहीं सुने क्या, तो वो दिखा दिया मैंने, हाँ बाकी रील्स देख लेना जाके, मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। चलो
गाइस अब हम आ गए अपने फ्लैट पे, तो हम जा रहे हैं। जो डैम था वो था फतेह सागर डैम, नहीं फतेह सागर लेक। रील्स वील्स देखनी तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम डला हुआ है, वहाँ जाके देख लेना इंस्टा पे। अब हम जा रहे हैं, कल का क्या प्लान है अगर वो डिस्कस होगा तो डालूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर सीधा सुबह ही दिखाता हूँ कहाँ जा रहे हैं। चलो भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर देना जिसको इस जगह पर आना है।